राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके के बूकना गांव में इस वक्त लोग आक्रोशित हैं और गांव भर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान का ये मामला जमीन विवाद से संबंधित है। गौरतलब है कि जमीन विवाद पर बाबूलाल नामक एक पुजारी को गांव के दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए जयपुर के SMS अस्पताल से संपर्क साधा गया, जहां इलाज के दौरान पुजारी की मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कथित तौर पर नामजद आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, वह बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने पुलिस को बताया था कैलाश मीणा अपने साथी शंकर, नमो, किशन और रामलखन के साथ मंदिर के बाड़े पर कब्जा कर छप्पर लगा रहा था। हमने विरोध किया तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार मंदिर की 15 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी द्वारा अपना गुजर बसर करता है। खबर है कि इस मामले पर राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता देगी एवं किसी एक सदस्य को अनुबंध पर नौकरी भी दी जाएगी। खबर तैयार किए जाने तक समाचार पत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि शव शुक्रवार देर रात जयपुर से गांव लाया गया, लेकिन परिवार ने इसके बाद अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। परिवार ने 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है।